हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू दिस सेशन ऑफ ज्ञानदीप। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज वी आर अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। कल मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से द राइटर नरेट्स हिज थ्रिलिंग जर्नी अक्रॉस द सी, तो उन्होंने किस तरह से अपनी जर्नी जो है समुद्र की जो है इन 1976 में स्टार्ट करी थी विद हिज वाइफ सन एंड डॉटर। तो चार जने थे, वाइफ का नाम क्या था? मैरी था। सन का नाम क्या था? जॉन था। और डॉटर का नाम था सुजैन। तो चारों ने जो है 1976 में, और उनका ड्रीम क्या था कि जो 200 ईयर्स पहले जो जर्नी करी थी कैप्टन जेम्स क्रुक ने, तो वही जो है उनको वो है डुप्लीकेट करना चाहते थे। तो मैंने आपको बताया था कि क्या क्या उनको प्रॉब्लम आई थी। फर्स्ट फेज जो था, दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम प्लाइमाउथ इंग्लैंड। एक सी पोर्ट है प्लाइमाउथ इंग्लैंड में, वहां से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी थी। एंड द फर्स्ट फेज ऑफ द जर्नी कहाँ से कहाँ तक थी? प्लाइमाउथ टू केपटाउन। केपटाउन में सी पोर्ट था अफ्रीका का, वहां पर उनका फर्स्ट फेज था। एंड दे हैव कवर्ड कितना करा था उन्होंने? दे कवर्ड 105,000 किलोमीटर, और 3 महीने में इन्होंने कवर किया था प्लीजेंटली, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। एंड देन दे स्टार्टेड फ्रॉम केपटाउन टू ईस्ट ऑफ केपटाउन टू ऑस्ट्रेलिया उन्होंने जाना था, और उससे पहले जो है उन्हें फेस करना था सबसे रफेस्ट ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न इंडियन ओशन को फेस करना था, और तब इनको कहाँ पहुंचना था? ऑस्ट्रेलिया में, सेकेंड फेज में। तो सेकेंड फेज में उन्हें क्या कितना जर्नी कवर करनी थी? 150,000 किलोमीटर्स। तो इस जर्नी को पूरा करने के लिए उन्होंने एक क्या बनाई थी? अपनी बोट बनाई थी, जो कि कितना 23 meters इन लेंथ एंड 30 ton इन वेट, उसका 30 ton वेट था। और उन्होंने एक बोट बनाई थी, और उसका नाम क्या रखा था उन्होंने? वेव वॉकर। क्या नाम था उनकी बोट का? वेव वॉकर। तो उन्होंने यहाँ से जो जर्नी प्लाइमाउथ से शुरू करी थी, और फिर फर्स्ट फेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। सेकेंड फेज में जो प्रॉब्लम आई थी, यस्टरडे वी डिस्कस्ड दैट पार्ट ऑफ द जर्नी, और आज जो है हम वी विल कंटिन्यू इट। तो अब हम जो है स्मार्ट बोर्ड में की तरफ चलते हैं और वहां से शुरू करते हैं। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने कल पढ़ाया था। बाय मॉर्निंग ऑन January 3rd द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशियंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन, बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिफ फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील। अभी मैं वर्ड मीनिंग भी साइड बाई साइड आपको बताऊंगी, तो नोट करते रहें, अंडरलाइन करते रहें। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कबोर्ड पार्टीशंस। तो पहले मैं इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगी, और फिर हिंदी में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे जो है सर्च फॉर एन आईलैंड। बाय द मॉर्निंग ऑफ January 3rd द वॉटर लेवल वॉज क्वाइट अंडर कंट्रोल। It was 15 hours since the waves had hit the ship and they had survived. Now they could have 2 hours rest in rotation, but still a lot of repair had to be done in the lower parts of the ship where all the wooden frames had smashed. It did not seem possible that wave walker would be able to reach Australia. अब जो यहाँ पे मॉर्निंग में जब नेक्स्ट मॉर्निंग में 3 जनवरी को क्या हुआ था कि जो लेवल था वो अंडर कंट्रोल हो गया था, और 2 घंटे के का जो है वो सब क्या ले रहे थे, आपस में रेस्ट कर रहे थे, बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक। और फिर भी जो है उनकी जो वेव वॉकर था, बोट थी जो उनकी, उसमें क्या था? अभी भी पानी था। ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द, और जो उनके रिफ फ्रेम्स मैंने जो उनके शिप का जो गोलाई वाला जो था, गोलाईदार जो फ्रेम था, लकड़ी का गोलाईदार जो फ्रेम होता है उसको बोलते हैं रिफ फ्रेम्स, वो भी क्या हुआ था? टूट गया था। और कील मीन्स होता है नाव का निचला वाला हिस्सा, तल जिसको बोलते हैं, चौड़ा तल जो होता है उसको बोलते हैं कील। इन और जो है होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल, और जितनी बोर्ड का जो आगे वाला हिस्सा था, एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड पार्टीशन, थोड़ी पार्टीशन को छोड़ के जो है पूरी बोर्ड जो थी
काफी जो है स्मैश्ड हो गई थी. वी हैड सर्वाइव्ड फॉर इस सारे को करने में उनको कितना टाइम लग गया था, 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच. और उन्हें नहीं लग रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया जो है पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनकी जो बोट थी जो थी बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, स्मैश्ड हो चुकी थी. आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर टू स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स टू द ईस्ट. वन ऑफ देम क्या था, उनमें से एक क्या नाम क्या था, एम्स्टरडैम वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस. आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स. पिन प्रिक्स मैंने सुई के बराबर जो सबसे छोटा इन द वास्ट ओशन. वास्ट ओशन में बहुत छोटा सा एक आइलैंड दिखा उन्हें. बट अनलेस द विंड हैड सीज अबेटेड, अबेटेड मैंने स्पीड जो है थोड़ी कम हो गई थी. सो वी कुड होइस्ट सेल, आवर चांसेस वुड बी सीम इन डेट. The great wave had put our auxiliary engine out of action. Auxiliary मैंने छोटा सा जो इंजन था वो उनको लग रहा था out of action है. The writer checked his. अब इस वाले पैरे में क्या है इसका, पहले मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही हूँ. The writer checked his chart. उन्होंने क्या करा था, अपना हिंदी में भी बता रही हूँ कि उन्होंने अपना जो है चार्ट चेक करा था. He calculated that there were two small island. दो small island उन्हें दिखे थे a few hundred kilometers in the east. ईस्ट की साइड में उन्हें दो आइलैंड दिखे थे. वन ऑफ देम वॉज एम्स्टरडम, एक जो है उनमें से क्या नाम था उसका, एम्स्टरडम था. और जो उनकी होप वॉज टू रीच दीज स्पॉट्स, अब उनकी जो आशा थी कहां थी, इन स्पॉट्स में पहुंचना इन द वास्ट ओशन. वास्ट ओशन में इतने बड़े ओशन में उन्हें दो आइलैंड छोटे छोटे पिन ब्रिक्स मैंने छोटे छोटे दो आइलैंड दिखे थे उन्हें. But that could be possible only if, ये कब possible होता, if the wind stopped and they could put up the sail, कि जब हवा चलनी कम बंद, क्योंकि जब हवा चलती है तो क्या होता है, obstacles आते हैं, हवा का दबाव पड़ता है तो बोट की स्पीड जो है. तो ये कब possible होता है कि वो वहां पे एम्स्टरडम जो है और एक जो है आइलैंड था वहां पे पहुंचने के लिए, ये कब possible होता, जब हवा जो है चलनी, इफ द विंड स्टॉप्ड एंड दे कुड पुट अप द सेल, और वो वहां पे अपनी बोट को सेल करते. नेक्स्ट है ऑन जनवरी 4, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर still coming in. We could not set any sail on the main mast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. So we hoisted the storm jib. Storm jib किसको बोलते हैं? आगे जो storm jib जो होता है, उसके जो छोटा part होता है, जहाज के जहाज का जो दायां वाला part होता है, उसको बोलते हैं storm jib. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were. Mary found some corned beef. Corned beef बोलते हैं कि जो गाय का flesh होता है उसको जो है corn में उसको जो है रोस्ट करके जो है देते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्न बीफ. तो वो उन्होंने अपनी शिप में रखा हुआ था और सम क्रैकर्स बिस्किट्स थे वो जो है उनका जो था फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट टू डेज. दो दिन में उन्होंने सिर्फ यही कॉर्न बीफ और क्रैकर्स बिस्किट्स जो उसकी वाइफ जो लाई थी, राइटर की वाइफ लाई थी मैरी, उनको उन्होंने फर्स्ट मील था उनका दो दिन में वो पहला मील था. So it was January 4, they had been pumping water continuously for 36 hours. Now only a few centimeters of water was left. अब जो है सारा उन्होंने निकाल दिया था, खाली थोड़ा सा पानी जो है बचा था. They could not put any sail on the main mast. The pressure could tear apart the damaged ship. So they hoisted with only the storm jib, small triangular sail used in the front. जो पहले भी बताया था मैंने कि जो शिप
उसका जो है आगे वाला पार्ट होता है, ट्राइंगुलर शेप होता है, वही जो है जब स्टॉर्म्स आते हैं तो उसको जो है ये यूज करते हैं. एंड स्टार्टेड फॉर वेयर दे थॉट टू आइलैंड्स वर. मैरी फाउंड सम मीट एंड बिस्किट्स फॉर देम. दे हैड देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट टू डेज. तो ये जो है कि दो दिन में उन्होंने ये पहला जो है मील करा था, थोड़ा सा रेस्ट करा था, जब उनकी शिप में जो है थोड़ा सा पानी बचा था, और उन्होंने अपनी स्टॉर्म जिप जो है स्मॉल ट्रायंगुलर सेल यूज्ड इन द फ्रंट उसको भी स्टार्ट कर दिया था. तो दो दिन में जो है थोड़ा सा उनको रेस्ट मिला था. बट आगे जो है फिर से प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाती है. तो अब जो है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, जो इसका टाइटल है, बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड. अब जो थोड़ा बहुत उनको रेस्ट का टाइम मिला था ये थोड़े समय के लिए था. एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस. विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर. द वेदर कंटिन्यू टू डिट्रॉइट मैंने फिर से खराब होने लगा था थ्रू आउट द नाइट एंड बाई डॉन सुबह तक. ऑन January 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट. फिर से जो है क्या हो गई थी उनकी निराशाजनक हो गई थी. द सेंस ऑफ रिलीफ वॉज शॉर्ट लिव्ड. एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन टू बिल्ड अप बिहाइंड देम. द विंड बिकेम स्टॉर्मी एंड द वेव्स रोज हायर. द वेदर कंटिन्यू टू डिट्रॉइट थ्रू आउट द नाइट. बाई डॉन January 5 द सिचुएशन वॉज अगेन वेरी हॉरिबल. 4 बजे तक क्या हुआ कि ये जो उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट मिला था 4 बजे तक जो है फिर से जो है उनके बैक साइड में जो थे क्लाउड्स बनने शुरू हो गए थे. और 40 knots, पहले कल भी मैंने तो बताया था नॉट्स क्या है, एक यूनिट है विंड मेजर करने की. एंड द सीज वर गेटिंग हायर द वेट. और जो वेदर था इट कंटिन्यूड क्या हो रहा था, फिर से रफ होता जा रहा था थ्रू आउट द नाइट. एंड बाय डॉन सुबह तक जो था क्या हो गया था, ऑन January 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन निराशाजनक हो गई थी. फिर से वो उनको और निराशा हो गई थी. थोड़ा सा उनको लग रहा था कि अब जो है चेंज आएगा वेदर में, बट चेंज नहीं आया. और फिर से जो है पूरी रात जो है ब्लैक क्लाउड्स जो है बनते रहे. और सुबह 5 बजे तक जो है सुबह 5th जनवरी को फिर से जो है सिचुएशन जो है और भी डिट्रॉइट हो गई, बहुत ज्यादा खराब हो गई थी. When I went to in to comfort the children, John asked, "Daddy, we are going to die." I tried to assure him that we could make it, but Daddy, he went on, "We are not afraid of dying if we can all be together, you and Mummy, Sue and I." जब राइटर कह रहे हैं कि when I went, द राइटर कुड फाइंड नो वर्ड्स इन आंसर. इसको मैं ब्रीफ में बता रही हूँ. द राइटर ट्राई टू एश्योर हिम. अब क्या होता है कि जब राइटर वेंट टू द कम्फर्ट द चिल्ड्रन, जब वो चिल्ड्रन के कब्रे में गए, वेंट इन टू द कम्फर्ट द चिल्ड्रन, जॉन आक्स, तो उनके बेटे ने क्या पूछा था जब वो उनके कमरे में गए थे राइटर, डैडी क्या पूछा था, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं. क्यों पूछा था, क्योंकि जो है मौसम क्या हो रहा था, वेदर क्या होता है, बहुत ज्यादा खराब हो गया था. द राइटर ट्राई टू एश्योर हिम दैट दे वुड सक्सीड इन देयर एफर्ट्स. एट दिस द बॉय सेड, और जो राइटर थे उनको एश्योर करा रहे थे, समझा रहे थे कि हम जो है सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी क्या कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. एट दिस द बॉय सेड, Daddy, we are not afraid of dying. तो वो छोटे बच्चे ने जो 6 years का था उसने क्या बोला, Daddy, हम जो है मरने से नहीं घबराते, if we can all be together, you and mummy, Sue and I. उसने क्या कहा, आप राइटर, मम्मी, Sue and I, John. तो हम चारों अगर इकट्ठा हैं तो हम जो है मरने से नहीं डरते. I could find words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fly the sea, and with everything I had to protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port,
हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स यूजिंग एन इम्प्रोवाइज सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। अब राइटर ने क्या कहा, जब उसके बेटी ने उसको बोला कि क्या बोला था, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कौन कौन, यू मम्मी स्यू एंड आई, तो राइटर के पास कोई जवाब नहीं था। द राइटर कुड फाइंड नो वर्ड्स टू आंसर, ही डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग ही हैड, ही डिसाइडेड टू स्टॉप द शिप कीपिंग इट्स अनडैमेज्ड साइड टू द साइड ऑफ द ऑनकमिंग वेव्स। अब राइटर क्या चाह रहे थे, उनके पास कुछ वर्ड्स नहीं थे बोलने के लिए और वो बाहर चले जाते हैं और फिर जो अनडैमेज्ड पार्ट होता है शिप का उसको जो है वो क्या करते हैं, जो डैमेज पार्ट है उसको पीछे करके अनडैमेज पार्ट को जहां से ऑन कमिंग वेव्स आ रही थी, जहां से वेव्स आ रही थी उधर की साइड जो है वो सही वाले पार्ट को कर देते हैं। दैट इवनिंग द राइटर एंड हिज वाइफ सेट टुगेदर, उस शाम को जो है राइटर और उनकी वाइफ जो थी हाथ में हाथ रख के जो है बैठे थे। मोर एंड मोर वाटर वॉज गेटिंग इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, बोथ ऑफ देम फेल्ट दैट द एंड वॉज वेरी नियर। अब चारों तरफ क्या था, पानी पानी था और जो शिप के जो प्लैंक्स थे जो पार्ट्स थे वो भी क्या हो रहे थे, टूट गए थे। तो उन्हें क्या लग रहा था दोनों को कि अब जो है उनका जो है अंत समय जो है, वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, तो बोथ ऑफ देम फेल्ट दैट द एंड वॉज वेरी नियर कि उनका जो है अंत समय जो है आ गया है। तो अब जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जितने भी इस पैराग्राफ से जो है रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अभी हम जो है ब्लैक बोर्ड में स्मार्ट बोर्ड में करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द डिजास्टर कम, तो इसको क्योंकि ये हमने शायद कर लिया है, द रोड चेंज इनटू ए थंडर, जो रोड था वो किस में चेंज हो गया था, थंडर में चेंज हो गया था। द शिप मूव्ड अप द वेव, और जो शिप थी वो क्या हो रही थी, वेव में चेंज हो रही थी। तो फर्स्ट वन इज हाउ डिड द डिजास्टर कम, तो ये आप लोगों के होमवर्क है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिजास्टर, हाउ डिड द डिजास्टर, महाविपत्ति जो है कैसे आई थी। द रोड चेंज इनटू ए थंडर, और जो आवाजें आ रही थी वो थंडर का रूप ले लिया था। द शिप मूव्ड अप द वेव, और जो उनकी शिप थी वो किसके ऊपर आ गई थी, वेव के ऊपर चल मतलब इतनी ऊंचा जंप कर रही थी वो। ए टेरिबल एक्सप्लोजन शुक द डेक, और उनकी जो है डेक वो भी जो है क्या कर दिया था, शुक हो गई थी, टकरा गई थी। ए टॉरेंट ऑफ वाटर केम ओवर द शिप, द ऑथर्स हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील, ही वाज थ्रोन ओवर हेड ओवरबोर्ड। तो ये है इसका आंसर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ट्रेवलर फेस द सेकेंड डिजास्टर, ये तो फर्स्ट डिजास्टर था, सेकेंड डिजास्टर, हाउ डिड द ट्रेवलर्स फेस सेकेंड डिजास्टर। तो जो सेकेंड डिजास्टर कैसे फेस करा था, तो ये करा था, द सेकेंड डिजास्टर कब आया था, केम ऑन द इवनिंग ऑफ जनवरी 4, 4 जनवरी को। द विंड बिकेम फर्स्ट एंड द वेव्स रोज हाई, जो वेव्स थी बहुत ज्यादा ऊपर उठने लगी थी। एवरीवन फेस द डिजास्टर विद पेशेंस एंड करेज, द चिल्ड्रन शोड नो फियर एट ऑल, द राइटर डिड His best to save the ship from sinking। और सब जो हैं जितने लोग तो जो थे वेव वॉकर में थे, जो उनकी शिप में थे, सब जो है अपनी अपनी तरफ से क्या कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। दो सेलर्स भी थे, कौन कौन थे, लैरी एंड हब, और ये चारों जो थे कौन कौन, राइटर, उनकी वाइफ मैरी, जॉन और सब जो हैं, स्यू जो है, सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। और राइटर डिड हिज
best to save the ship from sinking? So this is the answer of this question. Now come to the next. How did the children react to the situation? तो ऐसी सिचुएशन में जब उनकी शिप जो है डिजास्टर में जो है सिंक हो रही थी, तो ऐसे समय में जो है बच्चों ने क्या करा, परेशान नहीं हुए और उन्होंने अपने उनको क्या करा और एनकरेज करा कि नहीं पापा, हम डर नहीं रहे हैं, हम मरने से नहीं डरते. तो उन्होंने इस तरह से सिचुएशन को हैंडल करा था, घबराए नहीं थे बच्चे. द चिल्ड्रन शोड मोर करेज, रियर करेज. They did not panic at all. मतलब उन्होंने कोई पैनिक नहीं करा कि जैसे होता है ना बच्चे घबरा जाते हैं, हल्ला मचाते हैं, परंतु स्यू और जॉन ने जो है वहाँ पे कोई पैनिक नहीं करा था. स्यू वॉज बैडली हर्ट ऑन द हेड, जबकि उनकी डॉटर की चोट भी लग गई थी. बट शी रिमेन पेशेंट एंड लिटिल जॉन सेड, डैडी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर. तो उन्होंने जो है किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करा था, अपने पेरेंट्स को भी जो है समझाया था कि हम जो है मरने से नहीं डरते अगर हम सब, हम चारों जो है इकट्ठा हैं. तो ये रिएक्शन था बच्चों का इन दैट बैड सिचुएशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ट्रेवलर्स डू टू सेव देमसेल्फ? To save themselves, अपनों को बचाने के लिए उन्होंने क्या करा था ट्रेवलर्स ने? तो they tried to pump water from the ship. उन्होंने क्या करा था, पानी निकाला था ship से. The writer plugged the holes through which the water was coming. और लेखक ने क्या करा था, जितने holes हो रखे थे उनकी boat में उनमें से दिन में से पानी आ रहा था, उनको जो है उसने रिपेयर करा था. तो दिस इज द आंसर, दे ट्राई टू पंप आउट वाटर फ्रॉम द शिप. द राइटर प्लग द होल्स थ्रू विच द वाटर वॉज कमिंग. तो ये क्वेश्चन जो है, चार क्वेश्चन जो है आपके जो है होमवर्क के लिए हैं. और आई थिंक जो आज पढ़ाया था आप लोगों के समझ में आ गया होगा. तो ये चार क्वेश्चन जो है आप कंटिन्यू करते रहें, एक सेपरेट कॉपी में मैंने कहा था आप लोग करते रहें, और साथ साथ जो है साइड बाई साइड यू लर्न दिस क्वेश्चन. और अगर किसी का ये छूट गया है तो वो जो है इसको GD उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं दोबारा. तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा जो व्हाट एवर इज शॉर्ट इन द क्लास. थैंक यू सो मच.